जो है तकरीबन तकरीबन तय है, लिहाजा आप तमाम हजरात से मेरी बोलने वाला इल्तिमास है, आप तमाम साइकिल कमेटी से इस ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंच के आने वाली 27 तारीख के मधुपुर टूर्नामेंट को कामयाब बनाए। शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ है अनंत का काफिला, कहा जाने वाला जो दूर दराज सफर तय करने के बाद तशरीफ लाई बंदी घाट की है कि दोनों ही में इस वक्त काम है और गांव में है। मैं बता दूं एक जानकारी, जनाब वही साहब आज भाई हमारा टूर्नामेंट में मुझे तक पहुंचाई है। हालांकि जो इस टूर्नामेंट की प्राइस थी वो गोपनीय थी, किसी को बताया नहीं गया था, अब जाके उसका ऐलान किया जा रहा है। जनाब वही साहब की तरफ से ऐलान किया जा रहा है आज भाई सर आपका टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज जो है वो 15,000 रुपए कैश है और फाइनल प्राइज जो है वो 10,000 रुपए कैश है। तो कौन सी टीम होगी जो फाइनल का खिताब हासिल करेगी, बस चंद लम्हों में तय हो जाएगा। लेकिन क्या उस वक्त में टच किया है, एक पॉइंट पर हाथ में लिया है इस वक्त आरंभ टीम ने 3-2 मुकाबला चलता हुआ। अगले मुकाबले के लिए इस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए आवाज दी जा रही है। कैप्टन आई का वाल पेपर जम रहा जनाबे सलीम साहब और खान का लखनऊ जनाबे सलमान साहब बिल्कुल बार बार रहेंगे अपने तमाम सालारों को कबड्डी का दर्श देते रहिए, कबड्डी की इस मुकाबले के बाद आपका मुकाबला खेला जाना है। यहाँ पर हमेशा किसी के साथ नहीं होगी, ये बजरी की काफी सारे के सारे खिलाड़ी जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है यहाँ मेहमान है और इसी के साथ इंशाअल्लाह जान बूझ कर नाइंसाफी नहीं की जाएगी और अनजाने अनजाने में कमेटी की जानी से रेफरी की जानी से या उस कमेंटेटर की जानी से कोई गलतियाँ होती है तो मैं माजूर चाहता हूँ आप तमाम हजरात का। इस वक्त जो है एंगल होल्ड करने की कोशिश नाकाम होती हुई एक कामयाबी हाथ लगती हुई बदलता हुआ इस मतलब देता हुआ लेकिन सिंगल कैच कर लिया गया है। बिल्कुल आखिरी मरहले में एक और एडवांटेज हाथ में आता हुआ और होने वाले लगातार मेहनतें कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट को कामयाबी की गहरी तक पहुंचाने में आपका भी अहम किरदार रहा है। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब मुशाहिद साहब, आपकी कारकर्दगी कहीं ना कहीं चर्चा कर गलती हुई। इस वक्त फिर से जो है प्लेट में आता हुआ पूरा बंदी घाट का और थोड़ा सा यहाँ पर हताश होते हुए अनंत के तमाम जाबाज़ एंगल होल्ड करने की कोशिश लेकिन चुटकी लगाई और कामयाबी हाथ लगती हुई एक और हक में आता हुआ भाई भाई अगले आठ और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा
का कि दोनों की सूरत हो वो लगातार इस पूरी के काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर मधुरा खेमा जो है आ गया था सब में सात आठ पर बल का ही लगे और चार पॉइंट ले जाकर मेरे ख्याल से बंदी गार बारह आनंद पांच टेकल पॉइंट होगा जो भी पॉइंट होगा जो चार आठ बराबर किया। इस पूरे परिणामी लोगों को अपने मोबाइल में कैद करते हुए जनाब कमर आफिफ साहब लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है फेसबुक के माध्यम से जो मौजा मोहरा उर्द के नाम से लाइव दिखाया जा रहा है। आपको भी मुबारकबाद, आपने जो है इलाके को एक नई दिशा दी है, एक नई पहचान दी है। जनाब कमर आफिफ साहब मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। इस वक्त जो है हाफ काली का गेम मुकम्मल होता हुआ पहला सेट बंदी घाट के नाम बंदी घाट 14 और अनंत 5 बिल्कुल कुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। इस वक्त अनंत का पूरा काफिला हवा दी जा रही है का वाल पेपर जल रहा खान तलब होगा फौरन ग्राउंड में पहुंचे पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए आवाज दी जा रही है। आई का वाल पेपर जम रहा जनाब अली और खान तलब होगा जनाब मोहम्मद सलमान साहब अपने लव लश्कर के साथ मैदान में पहुंच जाए क्योंकि टूर्नामेंट का पहला ही सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। बंदी घाट 16 आरन 5 पूरा सा मुकाबला है तरफा फाता हुआ एक ही अलग जो है सीनियर पहला सेमीफाइनल जमदहा बना तमाम युवा तमाम नौजवान जो कबड्डी का दर्श लेते हुए एक तरफा मुकाबला हो रहा हुआ रनिंग लीड की गई थी जिस वक्त लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहे और जो आखिरी मरहला है 36 सेकंड की जो जिंदगी है उसको पूरी तरह से गुजारने के बाद अपने इरादे को मुलतवी किया वापस पहुंचे अपने लाल थाने में जवाब देने के लिए फिर से वही शहजादा फिर से वही मजलकार जो लगातार अकेले दम पर टीम को यहां तक पहुंचाया है जो शहजादे का एक अहम किरदार था लेकिन आज फनकारों के सामने फुटने टेकती हुई नजर आ रही है। अनंत की पूरी टीम अनंत का पूरा रास्ता जो है इस वक्त बैकफुट पर नजर आता हुआ आवाज दी जा रही है। हाई हाई आवाज पेपर पर जम रहा जनाब अली और खान तलब सोंगर जनाब मोहम्मद सलमान फौरन पहुंचे बिल्कुल जो है टाइम आउट होने वाला है और मुकाबले के बाद आप ही का मुकाबला खेला जा रहा है और अगला जो भी फाइनल मुकाबला खेला जाएगा मैं बता दूं वो बंदी घाट बनाम सितारा महमूदपुर के दरमियान खेला जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये वीडियो एक घंटे की हो गई है। सेमीफाइनल होने जा रहा है जमदहा बनाम सोंगर।